हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निका राजपाल ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने फ़ोन में यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को देखते हैं तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, जिससे कि शॉर्ट्स वीडियो साफ नहीं दिख पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन में शॉर्ट्स वीडियो को फुल HD क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube ऐप को ओपन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन में YouTube ऐप को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शॉर्ट्स वीडियो को ओपन करूँगा, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर इस शॉर्ट्स वीडियो को ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये शॉर्ट्स वीडियो है इसकी क्वालिटी HD में दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद इसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। तो इसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिंपल सा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब चैनल को जिस भी ईमेल आईडी से साइनिंग किए रहते हैं तो यहाँ पर उसका लोगो दिखाई देता है, तो आपको इस साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट में है जनरल, सेकेंड में है डेटा सेविंग, और थर्ड में है ऑटो प्ले, और चौथे नंबर पर एक ऑप्शन है वीडियो क्वालिटी प्रीफ्रेंसेस। तो आपके ये जो चौथे नंबर वाले ऑप्शन है वीडियो क्वालिटी प्रीफ्रेंसेस वाले, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। तो आपको यहाँ पर जो ये सेकेंड नंबर पर दिया है हायर पिक्चर क्वालिटी, आपको इस पर सेलेक्ट करना है। जो यहाँ पर डेटा सेवर पर लगा है इसको यहाँ से हटा कर ये जो हायर पिक्चर क्वालिटी वाले ऑप्शन है इस पर आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क्स। तो फ्रेंड्स, ये आपके मोबाइल से चलने वाले वीडियो की क्वालिटी दिखाई देगा। अब मैं आपको सेकेंड नंबर पर बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ये वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई वाला है इसको भी आपको हायर पिक्चर क्वालिटी पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को यहाँ से ओपन करेंगे तो ये देखिए फुल HD क्वालिटी में आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आप उस सेटिंग से नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे में कोई भी एक आपको लॉन्ग वीडियो को ओपन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस लॉन्ग वीडियो को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस वीडियो में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा क्वालिटी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक ऑटो रिकमेंडेड वाले, और दूसरा आएगा हायर पिक्चर क्वालिटी वाले, और तीसरा आएगा डेटा सेवर वाले। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो सेकेंड नंबर पर टिक लगा हुआ है ऐसे ही आपको सेकेंड नंबर पर टिक लगा देना है, तभी आपका वीडियो HD क्वालिटी में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।